Good morning, students. Today we will do the sixth math problem. Question is, generalize the following transactions in the books of Sudhir. First year likha hua 2016, January 1st ko entry kya hai. Sudhir having no capital of its own. सुधीर के पास अपनी कोई कैपिटल नहीं है. उसने बिजनेस फिर भी स्टार्ट कर लिया. स्टार्टेड बिजनेस विद रुपीज 50,000. बोरोड फ्रॉम हिज फ्रेंड शिवा. इट मींस शिवा से उसने क्या है पैसे बोरो करके बिजनेस स्टार्ट कर लिया एट द रेट ऑफ 10% पर एन. देखो बिजनेस में जो पैसा तो आया है उसके लिए किसको डेबिट करेंगे. व्हाट कम्स इन मस्ट बी डेबिटेड कैश अकाउंट. अब उसने अपनी कैपिटल नहीं लगाई. अदरवाइज आप यहाँ क्या लिखते होते कैपिटल. उसने अब क्या ले लिया शिवा से लोन. तो अब क्रेडिट क्या होगा शिवाज लोन अकाउंट. अमाउंट है 50,000. बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश एंड लोन एट द रेट ऑफ 10%. हमने इंटरेस्ट का इसमें कुछ नहीं करा. नेक्स्ट है जनवरी 5th को परचेज गुड्स फॉर रुपीज 5,000. अब देखो बेटे यहाँ पर परचेज गुड्स लिखा है. अब किसी का नाम नहीं लिखा. इट मीन्स क्या है वी विल अज्यूम दैट दीज आर कैश परचेजेस. सो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट. अमाउंट इज 5,000. बीइंग गुड्स परचेज. नेक्स्ट है जनवरी 12. रिसीव्ड इनवॉइस एट द रेट 10% ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम रोहित. इसका मतलब क्या है इनवॉइस रिसीव करने का कि गुड्स परचेज की हैं 10% ट्रेड डिस्काउंट पर. एंड सप्लाइड दिस गुड्स टू मदन. यही गुड्स किसको सप्लाई कर देगी मीन्स सेल कर देगी किसको मदन को. लिस्टेड एट रुपीज 3,000. सेल्स कितने के ऊपर की है 3,000 के ऊपर. और यही गुड्स उससे रोहित से कितने की खरीदी थी 10% डिस्काउंट पर. अब 3,000 के ऊपर 10% डिस्काउंट कितना हो गया 300. माइनस कर दो 3,000 माइनस 300 कितना हो गया 2,700. एंट्री क्या होगी परचेजेस वाली. परचेजेस अकाउंट डेबिटेड. लेकिन यहाँ पर क्या है पार्टी का नाम मेंशन है तो कैश नहीं करना. क्या लिखेंगे टू रोहित एंड सन्स अकाउंट. बीइंग गुड्स परचेज्ड. और इसका अमाउंट कितना लिखेंगे 2,700. 10% डिस्काउंट निकाल के. बिकॉज इट इज ट्रेड डिस्काउंट ये मैंने पहले भी बताया था. तो सिर्फ क्या है अमाउंट डिडक्ट करना है. यहाँ कोई एंट्री डिस्काउंट की नहीं होगी वो कैश डिस्काउंट के टाइम होती है. इस बेटे इसी के साथ नेक्स्ट लाइन क्या थी. यही गुड्स जो है वो मदन को सप्लाई कर देगी. इट मीन्स मदन को सेल्स कर देगी. तो एंट्री डाल दो सेल्स की. अब कैश नहीं आया मदन का नाम मेंशन है तो इट इज अज्यूम दैट दीज आर क्रेडिट सेल. मदन अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट. बीइंग गुड्स सप्लाइड टू मदन 3,000 रुपीज. नेक्स्ट है जनवरी 20th को एंट्री. मदन इज डिक्लेयर्ड इनसॉल्वेंट. अब जो ये मदन है इसको अपने 3,000 की सेल की थी. ये क्या डिक्लेयर हो गया इनसॉल्वेंट. दिवालिया निकल गया. एंड 25% इज रिकवर्ड इन फुल सेटलमेंट. और इसमें से कितने पैसे इससे आए हैं 3,000 में से 25%. 25% कितना होएगा इसका 750. ठीक है. और जो पैसे नहीं आए वो कितने हैं 2,250. तो इसकी अब एंट्री करेंगे. अब जो पैसे आ गए कितने पैसे आए हैं 750.
इसके लिए आप कैश को डेबिट करेंगे, जो नहीं आए वो मैंने क्या बताया था, अगर इंसॉल्वेंट हो जाए तो बैड डेट्स हो जाते हैं, तो बैड डेट्स को डेबिट करेंगे, और क्रेडिट किसको करेंगे, मदन के अकाउंट को, क्योंकि अपन ने मदन के अकाउंट को क्या करना है, क्लोज करना है। सो द एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिटेड, बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू मदन अकाउंट। अभी अपन अमाउंट कितना निकाला था, कैश का 750 और बैड डेट्स का कितना आएगा 2250। मदन का अकाउंट टोटल का टोटल क्लोज कर दिया 3000 के साथ। Being the amount received in full settlement from Madan. Next have it is 25th January को entry. Purchased goods for ₹1000 from Nanda. पहले क्या है, गुड्स परचेज किए हैं नंदा से, सिंपल एंट्री है ये, तो कैश परचेजेस नहीं है, कौन सी है, क्रेडिट, क्योंकि नंदा का नाम मेंशन है और कैश नहीं लिखा हुआ। परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू नंदा अकाउंट, बीइंग गुड्स परचेज्ड, अमाउंट है ₹1000। इसके बाद क्या लाइन है, एंड सप्लाइड दीज गुड्स टू हेलन, यही गुड्स किसको दे दी गई है, हेलन को, कितने की, ₹1300 की। तो अब ये हेलन को दे दी गई, तो हेलन को क्या होगी, सेल्स, हेलन अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट ₹1300 बीइंग गुड्स सोल्ड। इसके बाद क्या है, हेलन रिटर्न गुड्स वर्थ ₹390, हेलन ने गुड्स वापस कर दी ₹390 की, एंड विच वर दीज रिटर्न टू नंदा, पहले हेलन ने रिटर्न कर दी, हेलन को अपने क्या की थी, सेल्स, तो हेलन ने जब रिटर्न कर दी तो एंट्री क्या हुई, मैंने क्या बताया हुआ, इसकी अपोजिट एंट्री, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू हेलन अकाउंट ₹390, बीइंग गुड्स रिटर्न्ड बाय हेलन। इसके बाद जब हेलन से हमारे पास आ गई, हमने गुड्स किसको दे दी, नंदा को, अब नंदा की एंट्री भी क्या कर दो, जो परचेजेस वाली एंट्री थी वो रिवर्स कर दो, परचेज रिटर्न की एंट्री डाल दो, एंट्री क्या होगी, नंदा अकाउंट डेबिटेड, ये देखो यहाँ पर नंदा को क्रेडिट किया था, अब यहाँ क्या कर दो, डेबिट, नंदा अकाउंट डेबिटेड टू परचेज रिटर्न अकाउंट, बीइंग गुड्स रिटर्न टू नंदा। अब बेटे जो गुड्स रिटर्न की हैं नंदा को, इसमें अमाउंट देखना पड़ेगा, ये अमाउंट कितने की रिटर्न की है। अब पहले अपने गुड्स आई कितने की थी, 1000 की, लेकिन उसको दी कितने की थी, 1300 की। अब यहाँ पर क्या है, 390 का कन्वर्शन कर लेना इसके अकॉर्डिंगली, 1300 और 1000 के अकॉर्डिंगली, तो ये बनेगा ₹300, ₹300। ठीक है, तो यहाँ पर अमाउंट का ध्यान रखना है कि 300 अमाउंट की जो गुड्स है वो अपने नंदा को रिटर्न किए। नाउ गोइंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट इज फरवरी 9th की एंट्री है, बॉट हॉर्स फॉर 1500, हॉर्स बाय किया, या तो हाँ हॉर्स अकाउंट खोल लो, नहीं तो इसके लिए अकाउंट होता है लाइफ स्टॉक अकाउंट, अगर हॉर्स अकाउंट भी लिखोगे वो गलत नहीं होगा, बट प्रॉपर अकाउंट इज लाइफ स्टॉक अकाउंट,
बॉट की है, आया है तो इसको डेबिट कर दो। नेक्स्ट, अ कार्ट, एक कार्ट खरीदा है, कार्ट अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, फॉर डिलीवरिंग द गुड्स टू द कस्टमर्स, कस्टमर्स को डिलीवर करने के लिए। अब हॉर्स कितने का खरीदा है, 1500 रुपीज का, और कार्ट खरीदा है 2000 रुपीज का। अब बिजनेस में से कैश चला गया इन दोनों के लिए, टू कैश अकाउंट कितना, 3500 रुपीज, बींग हॉर्स एंड कार्ट परचेज्ड। नेक्स्ट आती है बेटे फ़रवरी 25 की एंट्री, दी हॉर्स बॉट ऑन फ़रवरी 9, पर 9 फ़रवरी को जो हॉर्स बाय किया था दैट डाइड, वो मर गया, और उसकी कारकेस, कारकेस होती है उसकी खाल, खाल जो है वो अपने कितने में सेल कर दी, 200 में। इट मींस अपने हॉर्स कितने का खरीदा था, 1500 का, ठीक है, उसमें से 200 रुपया आया है, बाकी क्या है, 1300 रिमेनिंग बच गया, 1500 में से 200 रुपया आ गया और 1300 बच गया, ये क्या है, लॉस। इसको क्या करेंगे, डेबिट, वाई डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी लॉस होते हैं उसको अपन क्या करते हैं, डेबिट। तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिटेड, पी एंड एल अकाउंट डेबिटेड। अब कैश कितने से डेबिट होगा, कितने पैसे आए हैं, 200, जो नहीं आया वो लॉस 1300। टू, अब यहां पर की कौन सा अकाउंट क्रेडिट करेंगे, लाइफ स्टॉक अकाउंट 1500। इसकी नरेशन क्या होगी, बींग कारकेस सोल्ड। नेक्स्ट है एंट्री, एंट्री इज ऑन फ़रवरी 28, सप्लाइड गुड्स फॉर 300 टू सुधीर। अब गुड्स सप्लाई किए सुधीर को फॉर डोमेस्टिक यूज, प्राइवेट यूज के लिए है, तो ये क्या होगी, ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड। अभी यहाँ कैश नहीं है, गुड्स दिए हैं, तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, टू परचेजेस अकाउंट, अमाउंट कितना है इसका, 300। नेक्स्ट है मार्च 3 की एंट्री, ₹300 वर पेड टू मोहन आउट ऑफ द बिजनेस फंड्स, 300 रुपये मोहन को पे किए हैं बिजनेस के फंड्स में से, बिजनेस में से, फॉर द रिपेयर ऑफ सुधीर रेजिडेंशियल हाउस। सुधीर कौन है, ऑनर, अपना बुक्स सुधीर की बना रहे हैं ना, तो सुधीर के घर के लिए पैसे दिए गए हैं, तो इट मींस क्या है, ये सुधीर का डोमेस्टिक यूज ही है, दिस इज ऑल्सो ड्रॉइंग्स। तो एंट्री क्या होगी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, अमाउंट इज 300 रुपीज, 300 रुपीज। नरेशन आएगी, बी द रिपेयर ऑफ ऑनर्स हाउस डन। दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 6।